नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आ गया हूं आपके लिए एनिमल मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, जिसे जानकर आप हो जाएंगे हैरान। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अगर मैं कहूँ कि फाइट सीन में VFX का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है तो क्या आप यकीन करेंगे? और साथ ही रणबीर कपूर के फिल्म का नाम एनिमल क्यों रखा गया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल दिसंबर की 1 तारीख को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर पब्लिक में काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है और अब फिल्म की रिलीज डेट में बस कुछ ही दिन बाकी है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणबीर कपूर और बॉबी देओल ने फिल्म से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। रणबीर कपूर ने बताया कि फिल्म का नाम एनिमल क्यों रखा गया है, साथ ही उन्हें अपनी फेवरेट साउथ की मूवी के बारे में भी बताया है। रणबीर कपूर ने बताया कि मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी बांगा ने इस फिल्म का नाम एनिमल क्यों रखा है। जानवर अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक बर्ताव करता है, वो विचारों के आधार पर बर्ताव नहीं करता। तो जिस किरदार को मैंने निभाया है वो अपने परिवार को बचाने के लिए सोच के आधार पर नहीं बल्कि अपनी प्रवृत्ति के आधार पर काम करता है। वह बहुत इम्पल्सिव व्यक्ति है, शायद इसी वजह से उन्होंने फिल्म का नाम एनिमल रखा है। रणबीर कपूर की फेवरेट तमिल फिल्मों के बारे में अगर मैं बात करूं तो रणबीर कपूर ने एक सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, एक साल में जो भी उनकी पसंदीदा 3 फिल्में रही है वो तमिल इंडस्ट्री से ही रही है। रणबीर कपूर ने इस फिल्म के नाम भी गिनवाए हैं। उन्होंने कहा, मेरी पसंदीदा फिल्में हैं जेलर, विक्रम और लियो। रणबीर कपूर ने कहा कि उन्हें रजनीकांत, थलपति विजय, अजीत और कमल हसन सर जैसे स्टार्स की एंट्री बहुत पसंद है। फिल्म में VFX का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसके बारे में बॉबी देओल ने बताया कि फिल्म से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो फिल्म में एक्शन सीक्वेंस आप देखेंगे वो बहुत ही रियल है। बॉबी देओल ने बताया कि फिल्म के फाइट सीक्वेंस को इस तरह से कोरियोग्राफ किए गए हैं जैसे वाकई में 2 जानवर आपस में लड़ रहे हैं। एक्टर ने बताया कि फिल्म के फाइट सीन में कहीं पर भी VFX का इस्तेमाल नहीं किया गया है और उन्हें रियल रखा गया है, ताकि देखने में वो बिल्कुल भी फेक ना लगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरेबल दिखेगा। अगर आप भी रणबीर कपूर की मूवी एनिमल का कर रहे हैं इंतजार तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको आगे भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।